हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आप लोग को एसकेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुहासे के बारे में, पिंपल के बारे में। दोस्तों, पिंपल के कारण के बारे में जानेंगे, लक्षण के बारे में जानेंगे और उपचार के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इन तीनों के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे। मेरे वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, इसके सबसे पहले हम कारण बारे में जानते हैं जो मुहासे क्यों होते हैं। दोस्तों, गर्म पदार्थों का अधिक सेवन करने से, मांस मदिरा का अधिक सेवन करने से, अत्यधिक व्यायाम करने से, चिकनाई युक्त भोजन पदार्थों का अधिक सेवन करने से, त्वचा की सफाई न करने से, धूल धुएं आदि प्रदूषित वायु के मुख पर प्रभाव के कारण से मुहासे उत्पन्न हो जाते हैं। मुहासे विशेषकर दोस्तों किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक बने रहते हैं। इन कारणों से मुहासे उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे मुहासे के लक्षण क्या है। मुहासे का लक्षण क्या है जानते हैं। मुंह पर छोटी छोटी कीले या फुंसी सी उत्पन्न होती है जो धीरे धीरे बड़ी और कड़ी हो जाती है। इन्हें फोड़ने पर चिपचिपा द्रव निकलता है। कच्चे फोड़ने पर सूजन आ जाती है, परंतु पकने के बाद फोड़े जाने पर यह 2 दिन में मुरझा जाती है। इनको दबाने पर दर्द होता है और यह चेहरा पर लाल या काले धब्बे डाल देते हैं, जिससे चेहरे का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये मुहासे का लक्षण है। अब मुहासे का हम उपचार के बारे में जानेंगे। मुहासे का उपचार, टिप्स नंबर 1। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये फिटकरी दिख रहा है, काली मिर्च दिख रहा है और चंदन दिख रहा है। 1 चम्मच आपको फिटकरी लेना है, 1 चम्मच आपको ये काली मिर्च लेना है, 1 चम्मच आपको ये चंदन लेना है। इस तीनों को लेकर एक कटोरी में पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद दोस्तों सोते समय अपने चेहरे पर इसको लगा लेना है, रात भर उसी तरह रहने देना है। उसके बाद सुबह उठ कर अपने चेहरे को स्वच्छ पानी से धो लेना है। आपके मुहासे 15 दिन में इस नुस्खे से 100% ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं उपचार नंबर 2 के बारे में, 2 के बारे में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ये आपको चने के बेसन दिख रहा है, फिटकरी दिख रहा है और काली मिर्च दिख रहा है। चने के बेसन के एक चम्मच लेना है, 1 चम्मच काली मिर्च लेना है, 1 चम्मच आपको ये फिटकरी बस में लेना है। तीनों को लेकर दोस्तों आपको एक कटोरी में पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद दोस्तों इसको अपने चेहरे पर लगा लेना है, 1 घंटे तक इसी तरह रहने देना है। उसके बाद अपने चेहरे को धो लेना है। दोस्तों, आपको 1 सप्ताह में ही आपको मुहासे 100% ख़त्म हो जाएंगे, आपके मुहासे के दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस दवा का कोई भी नुस्खे का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आपको 100% ये नुस्खा आपको काम करेगा और आपको रिजल्ट देगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो पर कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, ये एक घर के नुस्खा है, इसका ये घरेलू नुस्खा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये इस वीडियो में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को ये काम किया है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।